पत्र एक शब्दावली है जिसका अर्थ होता है कि सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, वो उस बारे में सूचना प्रदान करता है। श्वेत पत्र इंग्लिश में व्हाइट पेपर। तो ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जो है संसद में प्रस्तुत किया था। संसद में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसके बाद संसद की सिलेक्ट कमेटी को ये पत्र भेजा गया। उसने जो है कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। उसके संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया और फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट को भारत शासन अधिनियम के रूप में परिणति मिली, अर्थात वो ड्राफ्ट ही भारत शासन अधिनियम 1935 बन के तैयार हुआ। संसद ने इसको स्वीकृति 2 अगस्त 1935 को दे दी थी। ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 बना के तैयार कर दिया था। उसके बाद भारत ने ये 2 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ, अर्थात 2 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। लागू होने और निर्मित होने में फ़र्क क्या होता है? संसद से कोई कानून पास होता है, उस दिन उसकी निर्माण की तिथि बोली जाती है कि इस दिन ये कानून बनके तैयार हो गया, लेकिन वो तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक उसे समाचार पत्रों वगैरह में प्रकाशित न कर दिया जाए। तो जिस दिन प्रकाशन हो जाता है उस तिथि से मान लिया जाता है कि वो कानून जहाँ भी लागू करना है वहाँ पे लागू हो गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 2 अप्रैल 1937 से लागू हो गया था। इसमें कुल 321 धाराएँ थी और 18 अनुसूचियाँ थी। इसमें से लगभग 200 धाराएँ भारतीय संविधान में ली गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएँ थी इनको देखेंगे। देखिए जैसे कि पता चल रहा है 321 में से 200 धाराएँ ली गई, कितना महत्वपूर्ण ये जो है एक तरह से कहने कानून या ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए संविधान था। तो इसलिए इसे बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। पहली विशेषता जो है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रथम बार परिसंघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ये जो परिसंघ था, अभी इस शब्द को हम लोग समझेंगे, परिसंघ मतलब होता क्या है, एक तरह से ग्रुप समझ लीजिए। अभी कि ये जो ग्रुप था, परिसंघ था, ब्रिटिश भारत के उस समय के भारत के विभिन्न प्रांतों और देसी रियासतों को मिलकर बनाया जा रहा था। इस अधिनियम से भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, जो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट 1928 वाली में मांगी थी वो, एवं भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय परिसंघ नाम से संबोधित किया गया इस कानून में। अब देखिए ये शब्द बार बार आ रहे थे, औपनिवेशिक स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस, कॉलोनियल फ्रीडम, तो या कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सब क्या थे इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखिए कोई भी जो देश होता है उसका जो सर्वोच्च कानून होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अन्य सभी जो कानून होते हैं जैसे भारत में IPC हो गया, CRPC हो गया, ये सारे अपनी वैधता प्राप्त करते हैं सर्वोच्च कानून से, अर्थात इनमें इससे भिन्न बातें नहीं लिखी जाएंगी, अर्थात इनमें ऐसी बातें नहीं लिखी जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से विरोधाभासी हो। तो इसलिए जो सर्वोच्च कानून है भारत का वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और IPC, CRPC ये सारे क्या है उसके नीचे के कानून हैं। ये सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाती है या कॉन्स्टिट्यूशन को
कि किसी प्रावधान को का उल्लंघन करती हो, तो ऐसा जो है कोई बात इन कानूनों में नहीं लिखी जा सकती। देश का सर्वोच्च कानून जो होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, ब्रिटिश भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता था? ब्रिटिश लोग। अब देखिए, ऐसा जो देश हो जो अपने देश का सर्वोच्च कानून करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाता हो, तो उसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कंट्री है ये। अब सर्वोच्च कानून बनाता है तो जाहिर सी बात है जो उससे नीचे के कानून है वो भी वो खुद ही बनाएगा। अब देखिए, ऐसा कोई देश जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ना बनाए परंतु कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसका अनुसरण करते हुए अपने देश को चलाने के लिए छोटे छोटे कानून जैसे IPCC, RPC है भारत में, ऐसे कानून जो बनाए, तो ऐसे देश को क्या कहेंगे? डोमिनियन है वो। जैसे एक टाइम पे भारत जो है ब्रिटेन का डोमिनियन था, भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया गया था। मतलब ये था कि भारत जो है ब्रिटिश द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935, उसके आधार पे अपने देश को चलाने के लिए छोटे छोटे कानून बना सके, तो ऐसी कंट्री को बोलते हैं डोमिनियन। अब मान लीजिए कि इस अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसके द्वारा हम लोगों को क्या दिया गया था? औपनिवेशिक शासन दिया गया था। इसका मतलब ये था ना तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे, ना ही इसके आधार पे हम छोटे छोटे अपने देश को चलाने के लिए कानून बना सकते थे, कुछ नहीं बना सकते थे। बस खाली हम उनके आधार पे चलते। फर्क ये था कि हमारे ही लोग इस कानून का अनुसरण करते। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन के लोग ने ही कानून बना दिया, लेकिन जो है हम लोगों के नेता और ये सब जो है विधानसभा और इन सब जगहों पे जाते हैं, चर्चा होती, काम काज सभी लोग संभालते, लेकिन कानून वो लोग बनाते। ऐसा कोई देश होता है तो उसको बोलते हैं कि वो कॉलोनी है। इसलिए हम लोगों को क्या दिया गया था? औपनिवेशिक स्वतंत्रता, कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए। क्लियर हो गया होगा आपको? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन और छोटे छोटे कानून दोनों बना सकते हैं तो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ छोटे कानून बना सकते हैं तो डोमिनियन है, कोई कानून नहीं बना सकते, खाली शासन में भागीदारी सुनिश्चित होती है, उससे भागीदारी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों में लोकसभा, राज्यसभा, विधान, राज्य में विधानसभा, विधानमंडल, तो इन सब में हम लोग जाते लेकिन कानून अंग्रेजों के बनाए हुए होते, तब हम लोग क्या कहते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी है। इसको क्या बोला जाता था? कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं कि परिसंघ किसे कहते हैं। देखिए, राज्य का संघ, राज्य का परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, यूनियन जो होता है इसकी पहली खूबी है जो राज्यों से मिलकर बना है। यूनियन जो होगा वो राज्यों से मिलकर बना है, और फेडरेशन जो होगा जिसे राज्यों ने मिलकर बनाया है। इसी लाइन से समझ में आ जाना चाहिए कि राज्य अगर मिलकर किसी ग्रुप को बनाते हैं तो उसे फेडरेशन कहा जाएगा, और एक ग्रुप है जिसमें सारे राज्य आके मिल गए तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनियन। दूसरी खूबी है इसमें एक लिखित संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांट दिया जाता है। जो यूनियन होता है उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का लिखित संविधान में ही बंटवारा कर दिया जाता है। क्लियरली ये किसी करार का परिणाम नहीं होता,
अभी इस लाइन का क्या मतलब है? करार मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, कि दो लोग मिलके कोई एग्रीमेंट कर लिए हैं, तो राज्य मिलके किसी एग्रीमेंट कर लिए हैं, ये नहीं है इसका अर्थ। ये जो है फेडरेशन में होता है, केंद्र के साथ राज्य एक करार के द्वारा जुड़ते हैं, अर्थात कई सारे राज्य एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट बनती है सेंट्रल की, उसे क्या कहेंगे? फेडरेशन, परिसंघ। इसका सिनोनिम आप याद कर लीजिए तो आसानी होगी, महासंघ। परिसंघ को महासंघ बोला जाता है, कई सारे राज्य मिलके एक जो है महासंघ बनाते हैं, उसे फेडरेशन बोला जाता है। और ऐसा संघ, ऐसा ग्रुप जिसमें राज्य लोग आके मिल गए, उसे कहेंगे यूनियन, और राज्यों ने मिल के किसी को बना दिया, वो होगा फेडरेशन। राज्य यूनियन से अलग नहीं हो सकता, यूनियन जो होता है उसमें से कोई राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इंडिया का कोई राज्य, कोई स्टेट अपने आप को इंडिया से अलग नहीं कर सकता, इंडिया एक यूनियन है। फेडरेशन में अलग कर सकता है, यूनियन में देखिए केंद्र जो है उसकी पावर ज्यादा होती है, केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्य की हैसियत, राज्य कमजोर होता है, और फेडरेशन में केंद्र कमजोर होता है बल्कि राज्य जो है वो शक्तिशाली होता है, वो अपने नियम कायदे कानून अपने हिसाब से बना सकता है, जैसी व्यवस्था अमेरिका में है। और इंडिया में क्या है? यूनियन है। अमेरिका में क्या है? फेडरेशन है। इंडिया राज्यों का संघ है, ये कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान के Article 1 में। इंडिया जो भारत है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब देखिए इसी इसकी जो विशेषता थी इसी के और आगे बढ़ते हैं। अभी ये पहली विशेषता में ही है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में परिसंघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान था, इसलिए ये राज्यों और देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर करता था कि वे भारतीय परिसंघ से जुड़े अथवा ना जुड़े। देशी रियासतों ने इस संघ में, फेडरेशन में जुड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरी विशेषता इसकी है, जैसे भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान था कि प्रांतों में दो स्तर की शासन व्यवस्था थी, इस अधिनियम द्वारा 1919 का जो प्रावधान था प्रांतों में से हटा दिया गया, अर्थात प्रांतों की दोहरी शासन व्यवस्था को हटा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसे लागू किया गया, केंद्र में वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा प्रशासन संबंधी विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित रिजर्व, एक हस्तांतरित ट्रांसफर। आरक्षित जो थे विषय वो महत्वपूर्ण थे, प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रकृति के थे, तो वायसराय उस पर उन विषयों पर निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार था, पूरा पूरा स्वविवेक था वायसराय को, जैसे डिफेंस हो गया और विदेशी मामले हो गए, इन सब पे वायसराय अपने निर्णय खुद लेता था। और जो हस्तांतरित थे जैसे शिक्षा वगैरह कृषि, तो ऐसे जो विषय थे उन पे मंत्रियों की सलाह से वायसराय कार्य करता, ये कानून में प्रावधान था, ऐसा व्यवहार में होता नहीं था। व्यवहार में क्या होता था? वायसराय जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, सचिव होते थे उनके, अफसर लोग, उनकी सलाह पे ही आज़ादी प्राप्त होने तक 1947 तक वायसराय ऐसे ही कार्य करते रहे, मंत्रियों की सलाह पे नहीं बल्कि अपने सचिवों की सलाह पे। देखिए इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू कर दिया गया, जिसे प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान था ये 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा विधि निर्माण
कानून के निर्माण का अनन्य अधिकार प्रदान कर दिया है, एक्सक्लूसिव राइट प्रांतों को सौंप दिया गया, और इस अधिकार पर से केंद्र के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये था कि प्रांत अब अपने क्षेत्र में अपने लिए प्रांतीय विषयों पर पूरी तरह से खुद ही कानून बना सकते थे, केंद्र की रोक टोक के बिना। अगली विशेषता, केंद्रीय विधानमंडल को नया स्वरूप प्रदान किया गया। देखिए, विधानमंडल लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? जो लोग कानून बनाते हैं, सांसद लोग, और कानून बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन। तो केंद्रीय विधानमंडल जो लेजिस्लेचर था, अगर हम इस समय भारत की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और उस टाइम जो है लोकसभा का नाम क्या था? विधानसभा, और जो है राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। ये इस कानून में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा आज की जो है उसे जो है विधानसभा नाम से बुलाएंगे और राज्यसभा को राज्य परिषद। लोकसभा तो क्या है? विधानसभा, फेडरल असेंबली, और राज्य परिषद को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसकी अवधि आज के समान 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष बाद चुनाव होते और नई विधानसभा का गठन होता। आज की राज्य सभा के तरह ही राज्य परिषद का जो निर्माण किया गया था वो स्थायी संस्था थी, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल समाप्त कर देते। और देखिए, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, धन विधेयक केवल विधानसभा में। किसी विधेयक पर यदि मतभेद हो जाता था तो वायसराय दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय विधानमंडल जो था इसमें एक तिहाई सदस्यता मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी। केंद्र की तरह प्रांत में भी 2 सदनों की व्यवस्था की गई, विधानसभा विधान परिषद, नाम सेम थे, केंद्र के ही तरह। 5 वर्ष की अवधि विधानसभा की, विधान परिषद स्थायी संस्था, 1/2 प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल समाप्त करके। प्रांतों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कहा जाता था, जिसको प्रांतीय ब्रिटिश गवर्नर, जो स्टेट के ब्रिटिश गवर्नर होते थे उनकी देखरेख में कार्य करना रहता था। अर्थात प्रांत अपने नियम कानून तो बनाता लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से उस टाइम भी इजाज़त लेनी पड़ती। वो कानून जब तक गवर्नर और वायसराय पास नहीं करते तब तक वो अपने प्रदेश में लागू नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसके लिए विधि निर्माण, कानून बनाने के विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया कि इन इन विषयों पे कानून बनाया जाना है, तो उनको 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको निम्नलिखित सूचियों में रखा गया। 3 लिस्ट बनाई गई कानून निर्माण के लिए, 3 लिस्ट बनाई गई, और उन लिस्ट में अलग अलग विषयों को रखा गया। पहली लिस्ट थी परिसंघीय सूची, फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट, थर्ड थी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। आज के जो संविधान है उसमें भी यही व्यवस्था लागू है, परिसंघीय की जगह क्या है? केंद्रीय सूची लिखा हुआ है, सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, उस पर केंद्र कानून बना रहा है। अच्छा, फिर से इस पर आते हैं। परिसंघीय सूची पे जो है सूची में सेना, जनगणना, विदेशी मामले इत्यादि थे।
प्रांतीय सूची जिसपे स्टेट या प्रांत कानून बनाते हैं, पुलिस शिक्षा समवर्ती सूची जिनपे दोनों लोग कानून बना सकते थे, विवाह तलाक या आपराधिक मामले। अब देखिए और अच्छा एक चीज और, जैसे किसी विषय पर जैसे समवर्ती सूची का विषय है विवाह, अब इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, प्रांत भी कानून बना सकता है। तो अगर दोनों के कानून बने हुए हैं तो केंद्र का अधिभावी होगा, मतलब प्रांत के कानून को मान्यता नहीं दी जाएगी, केंद्र के कानून को प्रांत में मान्यता दी जाएगी। समवर्ती सूची के किसी विषय पे अगर दोनों में कानून है और दोनों में विरोधाभास है, तब की स्थिति में केंद्र का जो है, केंद्र से मतलब उस टाइम के परिसंघ, फेडरल सेंट्रल जो इस टाइम का है, उस टाइम फेडरल था, तो फेडरल जो है प्रिवेल करेगा, अधिभावी होगा या उसको महत्व दिया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। अब ये है अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसी ड्यूटी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, ऐसे विषय जो इन तीनों में नहीं लिखे गए थे, उसके अलावा मान लीजिए कोई अन्य विषय हो जाता, कभी कभी कोई नया क्षेत्र अपने आप निकल के आ जाता है, जैसे इस टाइम जो है ये मोबाइल कम्युनिकेशन ये सब उस टाइम पे नहीं था, तो नया एकदम आ गया, जैसे डिजिटल हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये कोई नया कानून, कोई नया क्षेत्र आ गया, तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार था इस समय किसके पास है, केंद्र के पास। उस समय क्या व्यवस्था थी इस कानून में, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो वायसराय अपने विवेकानुसार, वायसराय अपने स्वविवेक से या तो केंद्र को कह देता कि भाई आप कानून बनाओ, या किसी राज्य को, जैसे किसी राज्य की सीमा का मामला है, सीमा के अंदर का मामला है, तो राज्य से कह देता कि आप ही कानून बना लीजिए। न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय, हाईएस्ट कोर्ट के रूप में भारत में एक परिसंघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। इससे प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी। प्रारंभिक मतलब कि आप डायरेक्ट इसमें केस दायर कर सकते थे, या किसी निचली कोर्ट का निर्णय आपको पसंद नहीं है, आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो इस फेडरल कोर्ट में उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते थे। परंतु ये परिसंघीय न्यायालय जो था फेडरल कोर्ट, ये उस टाइम के भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये जो फेडरल कोर्ट थी उस टाइम की, इस कानून में व्यवस्था की गई थी, ये भारत के लिए उच्चतम न्यायालय तो था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय इसको दर्जा प्राप्त था ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल को, मतलब आप इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा जो है वो ब्रिटेन वालों ने अपने पास ही रखा था, किसको, प्रिवी काउंसिल को। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ आलोचनाएं। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को यथावत रखा गया। कोई भी कानून वायसराय के निर्णय वगैरह थे वो सब ब्रिटिश संसद ही उसको जो है अधिनियमित कर सकती थी, मतलब उसको वैधता प्रदान कर सकती थी, उसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी। पूर्ण स्वतंत्रता तो दूर की बात थी। साइमन कमीशन ने एक सिफारिश की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, आप परिचित हो गए होंगे डोमिनियन स्टेटस किसकी बात कर रहा हूँ। तो साइमन कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी लेकिन इसको भी नहीं माना गया और औपनिवेशिक स्वतंत्रता ही दी गई। औपनिवेशिक स्वतंत्रता कॉलोनियल फ्रीडम,
नेक्स्ट इसकी जो आलोचना है, ब्रिटिश भारतीयों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए सारी शक्तियां वायसराय और प्रांतों में गवर्नर को दी गई जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडलों में भारतीयों को जगह तो दी गई थी, लेकिन ये जो वायसराय और गवर्नर जो अपने निर्णय लेते थे, ये यहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर कहकर पुकारा था। अगला है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का गठन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। जैसा कि अभी हमने देखा, एक टीआई जो है मुसलमानों को आरक्षण, ऐसे ही करके अन्य को भी अलग अलग सीट प्रोवाइड की गई थी, जिससे फूट डालो राज करो की जो इनकी नीति थी उसको और बढ़ावा मिला, और इस अधिनियम के द्वारा भारत की एकता पर एक अभूतपूर्व आघात पहुंचा था। इस अधिनियम में जिस परिसर में एड्रेशन की बात की गई थी, वो तभी बन सकता था जब एक निश्चित संख्या में देसी रियासतें उसमें जुड़ जाती, और क्योंकि देसी रियासतें परिसर से नहीं जुड़ी, इस वजह से इस कानून का जो परिसंघीय पहलू था वो कभी लागू ही नहीं किया जा सका। अब भारतीयों को ये कानून बिल्कुल भी रास न आया। कांग्रेस ने इसका जम के विरोध किया था, लेकिन इस कानून के तहत जो व्यवस्था की गई थी चुनाव की, उन चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अंत करने से पहले, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी इस कानून के ऊपर दिए गए कमेंट को जरा देख लेते हैं। हालांकि इस अधिनियम में ऐसी कई व्यवस्थाएं थी जो आज के संविधान में भी हैं, लेकिन जो पावर थी वो ब्रिटिश लोगों के ही पास थी, इस वजह से भारतीयों ने इसे सिरे से नकार दिया था। देखिए, बहुत ही सुंदर कमेंट किया था ये लेखक थे एडी कीथ। इन्होंने कहा था, अधिनियम द्वारा जहां एक ओर भारतीयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है, वहीं दूसरी ओर गवर्नर को मिलने वाले जो संरक्षण थे, रिजर्वेशन थे, जो ताकतें थी गवर्नर के पास, उसके माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को ये समझाने की उतनी ही गंभीर कोशिश की गई है कि उन लोगों ने कुछ नहीं खोया। मतलब भारतीयों को ये दिखाया गया कि आपको सब दे दिया गया है, और ब्रिटेन के लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोगों ने कुछ नहीं खोया। ये एडी कीथ ने इस कानून पे कमेंट किया था। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।